रहनुमा तहरीक इंसाफ विंग कमांडर क्यू मोहम्मद हाकिम सानिया लतीफाबाद नंबर 8 पर अपना मौकफ बयान करते हुए। मैं विंग कमांडर रिटायर्ड क्यू मोहम्मद हाकम डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल रीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज जुलाई की 28 तारीख है सन 2021। 22 जुलाई 2021 को हैदराबाद में कयामत सुगरा हुई। यूनिट नंबर 8 लतीफाबाद के अकबरी मस्जिद के नज़दीक के इलाके में हेस्को की नाकिस कारकर्दगी की वजह से ट्रांसफार्मर फटा, उसमें से 9 अफराद आज की तारीख तक शहीद हो गए हैं, 8 अभी भी जख्मी हैं। जख्मियों के इलाज मालजे के सिलसिले में बड़ी काविशें की हमारी सीनियर क़यादत ने और हेस्को अब मजबूर हो गया है कि उनके तमाम तरह अखराजात जख्मियों के इलाज के लिए उठाएगा। लेकिन शहदा जो हैं वो जवान थे, नौजवान थे, उनके पसमानगान में उनकी बेवाएं भी कम उम्र हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। मेरी दरख्वास्त है कि उनकी ज़िंदगी को आसान तरीके से गुजारने के लिए इन तमाम बेवाओं को और गैर शादीशुदा जो शहीद है उसके घर के किसी फर्द को, तमाम सीरियस जख्मी जो हैं उनके लिए, इन सब के लिए हेस्को में फौरी तौर पर मुलाजमत देने का ऐलान किया जाए। मैं जनाब हमाद अजहर साहब वफाकी वजीर बिजली से दरख्वास्त करूँगा कि वह हैदराबाद तशरीफ लाएँ और इनकी मुलाजमतों के सिलसिले में आकर ऐलान फरमाएं। नंबर 2, शहदा के लिए 7.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, जो तजीक आमेज है, उसको दिए थे इस्लामी कानून के मुताबिक 44 लाख रुपए होने चाहिए। इसके बाद जो अगला मरहला आता है कि ऐसे वाकयात फिर ना हो, इसका तदारक करने की जरूरत है। हैदराबाद जो है हेस्को का सबसे ज्यादा कमाऊपूत शहर है, यह हैदराबाद के शहरियों का हक है कि उन्हें महफूज बिजली, सस्ती बिजली, तवातुर के साथ बिजली फराहम की जाए, इसके लिए इकदाम किए जाए और 6 महीने का टारगेट दिया जाए हेस्को को कि इन 6 महीनों में हैदराबाद के शहरियों को महफूज बिजली फराहम करे। इसके लिए चाहे अंडरग्राउंड केबलिंग की जरूरत पड़े, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, इंसानी जानों से ज्यादा नहीं है। सिक्योरिंग करें मीटर्स की, छोटे PMTs लगाएं, इंसुलेशन केबलिंग करें, वट एवर इट इज, लेकिन ये कि हैदराबाद के शहरियों को महफूज बिजली देनी होगी। इसके अलावा डिटेक्शन बिल एक दूसरा मरहला है, करबनाक सूरत हाल है कि चोर तो मजे कर रहे हैं कुंडे लगाकर, लेकिन साहूकार जो मीटर लगा के बिजली ले रहे हैं उन पर डिटेक्शन बिलों की भरमार है, इसका भी खात्मा होना चाहिए। तमाम पुराने डिटेक्शन बिल जो है उसको एक दफा माफ कर दिया जाए।